हेलो एवरीवन गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं कि नेक्स्ट जेएस ऐप में हम अपने फेव आइकन को कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले गाइस, हम अपना ऐप फोल्डर बनाएंगे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट नाम से और इस फोल्डर में बीएस कोड ओपन कर लेंगे। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपना वीएस कोड ओपन कर लिया है। टर्मिनल ओपन करके अपना नेक्स्ट स्टेप क्रिएट कर लेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, टाइप स्क्रिप्ट, एसलिंक, टेलवेंट सीएसएस, एसआरसी डायरेक्टरी, एफ राउटर, नो। तो इस तरीके से एंटर करते जाइएगा, आपका नेक्स्ट स्टेप क्रिएट हो जाएगा। अब अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं वहाँ पे ऊपर। मे भी थोड़ा टाइम ले, आपका नेक्स्ट स्टेप क्रिएट हो जाएगा थोड़े टाइम में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्रिएट हो गया है। तो इसको हम रन करते हैं, npm run dev। रन करके अपने सर्वर पर चले जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 पे हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है। तो इस पर कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो हमारा सर्वर ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप दिख रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऊपर ऊपर की तरफ देख सकते हैं, हाँ, तो ऊपर की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे ट्रायंगल का शेप आ रहा है। तो इसको हमें चेंज करना है। तो पहले हम कोड में जाएंगे। तो उसमें यहाँ पे कोड में आप देख सकते हो SRC डायरेक्टरी है। SRC डायरेक्टरी के अंदर आपको favicon.ico करके एक फाइल होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्रायंगल वाला इमेज है जो कि हमें हमारे वेबसाइट पे यहाँ पे दिखता है favicon में। तो इसको पहले हम डिलीट करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम डॉट नेक्स्ट भी डिलीट करेंगे। लेकिन डॉट नेक्स्ट डिलीट करने के लिए हमें पहले सर्वर को बंद करना पड़ेगा। एक बारी मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ बिना सर्वर को स्टॉप किए, दोस्तों ये डिलीट नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिनाई कर दिया है, फोल्डर एक्सेस डिनाई। तो इसको पहले हम कट करेंगे, यहाँ पे सर्वर को बंद करेंगे, उसके बाद हम इसको यहाँ पे डिलीट कर देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सर्वर को स्टॉप किया, उसके बाद हमने डिलीट किया, ये डिलीट हो गया। उसके बाद हम अपना ICO फाइल यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे सेम लोकेशन पर। तो मेरे डाउनलोड में मेरे पास एक ICO फाइल है, तो मैं उसे कॉपी करके सेम लोकेशन पे दोस्तों ऐप के अंदर हमें उसे पेस्ट करना होता है SRC के अंदर, ऐप के अंदर। अब इसके नाम को हम रीनेम कर लेंगे, लाइक मेरा favicon.ico करके। दोस्तों, नाम आपके इमेज का कुछ भी हो, उसको चेंज करके सेम उसी तरीके से करना है जैसे कि हमने जो पहले था डिलीट किया हमने। तो यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट कर दिया है। तो फिर हम कोड में जाएंगे, कोड पे जाने के बाद इस पे favicon.ico पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा हमारा इमेज जो कि हम लगाने वाले हैं, हमारा आइकन। तो दोस्तों, इसके बाद हम अपना सर्वर स्टार्ट कर देते हैं, npm run dev enter। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने अपना सर्वर फिर से स्टार्ट कर लिया है। फिर से हम अपने वेबसाइट पे जाएंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी ट्रायंगल का शेप आ रहा है, इसको हम रिफ्रेश करेंगे। तो दोस्तों, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा फेव आइकन चेंज हो गया है। तो इस तरीके से नेक्स्ट.js में हम अपने आइकन्स को चेंज कर सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।